सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बॉलीवुड के इतिहास में अपने अपने समय पर अपने त्रियों के अभिनय और खूबसूरती का बड़ा ही वर्चस्व रहा है। उसी का नतीजा था कि फिल्में धीरे धीरे अपने आप को एक नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से पेश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये सब सिर्फ फिल्म निर्माता व निर्देशकों की वजह से नहीं बल्कि अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की मेहनत के बदौलत था। 60 व 70 के दशक में बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियाँ आईं और अपना जलवा कायम कर दर्शकों के बीच जगह बनाने में कामयाब रहीं। उन्हीं अभिनेत्रियों में से एक थी अभिनेत्री लीना चंद्रावरकर, जिन्होंने मात्र कुछ ही फिल्मों में अभिनय कर जो प्रसिद्धि प्राप्त की वो आज भी मिसाल के तौर पर याद की जाती है। लेकिन इन्होंने जितनी सफलता फिल्मों में पाई उससे कहीं ज़्यादा अपनी निजी जिंदगी में दुख भी झेलना पड़ा। मात्र 25 साल की उम्र में विधवा हो जाना और फिर अपने से 20 साल बड़े आदमी से विवाह करना, उसके बाद एक बार फिर 37 साल की उम्र में विधवा होना, शायद इनकी नसीब में सुहागन होना लिखा ही नहीं था। बड़ी ही दुख भरी थी किशोर कुमार की चौथी पत्नी लीना चंद्रावरकर की जिंदगी। तो आइए आज हम इनकी रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बीते जमाने की मशहूर अभिनेत्री लीना चंद्रावरकर का जन्म 29 अगस्त 1950 को धारवाड़ कर्नाटका में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीनाथ चंद्रावरकर था जो कि सेना में अधिकारी थे। इनके बड़े भाई का नाम अनिल चंद्रावरकर था। लीना ने अपनी अदायगी से दर्शकों के दिलों पर दशकों तक राज किया और अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मन का मीत फिल्म से की थी, जिसे अभिनेता सुनील दत्त ने प्रोड्यूस किया था। कहा यह भी जाता है कि इस फिल्म के लिए सुनील दत्त की पत्नी नरगिस ने इन्हें अभिनेत्री बनने के लिए तैयार किया था। मन का मीत फिल्म हिट रही और ये रातों रात सुपरस्टार बन गई। इसके अलावा इन्होंने महबूब की मेहंदी, हम जूली, प्रीतम, जालिम, डाकू और जवान, नालायक, विदाई जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया। लीना ने फिल्मों में ना तो कोई रोमांटिक सीन दिया और ना ही कभी कोई फोटो शूट करवाया। इनका अभिनय ही इन्हें फेमस होने के लिए काफ़ी था। ये उस समय हेमा मालिनी जैसी टॉप अभिनेत्रियों में शुमार थी। साल 1975 में लीना ने अपना विवाह गोवा के एक राजनीतिक फैमिली से ताल्लुक रखने वाले सिद्धार्थ वंडोवडकर से विवाह किया। लेकिन किसे पता था कि एक जरा सी गलती के कारण बसी बसाई जिंदगी एकदम से बंजर हो जाएगी। इनके पति को गलती से गोली लग गई जिसका कई दिनों तक इलाज चला, लेकिन वो मौत की गोद में सो गए और लीना महज 25 साल की उम्र में विधवा हो गई। कहा यह भी जाता है कि पति की मौत से डिप्रेशन में चली गई, हर किसी से मिलना जुलना बंद भी कर दिया। ऐसी हालत देखकर इनके पिता इन्हें अपने घर लेकर चले गए। कुछ समय बाद इन्होंने फैसला किया कि वो जल्द ही फिल्मों में वापसी करेंगी और उसी का नतीजा था कि इन्होंने दोबारा फिल्मों में वापसी किया। इसी बीच इनकी मुलाकात अभिनेता व गायक किशोर कुमार से हुई। धीरे धीरे दोस्ती, फिर दोनों में प्यार हो गया। बहुत जल्द ही इन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन लीना के पिता इस शादी से सहमत नहीं थे क्योंकि किशोर कुमार इनसे उम्र में 20 साल बड़े थे और पहले से 3 बार शादी भी हो चुकी थी। लेकिन बहुत मान मनोवल करने के बाद लीना के पिताजी मान ही गए और 1980 में विवाह कर किशोर कुमार की चौथी पत्नी बन गई। इसके बाद फिल्मों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद इन्होंने अपने बेटे सुमित को जन्म दिया, लेकिन इनके नसीब में शायद पारिवारिक सुख लिखा ही नहीं था। साल 1987 में इनके पति किशोर कुमार की भी मृत्यु हो गई। लीना एक बार फिर 37 साल की उम्र में विधवा हो गई। इन्होंने साल 1985 में सरफरोश और 1989 में इनकी आखिरी फिल्म ममता की छाँव में अभिनय की थी। एक बार फिर साल 2007 में इन्होंने छोटे पर्दे से अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा। सोनी टीवी द्वारा शुरू किए गए सिंगिंग शो के फार किशोर में पहले 2 एपिसोड में गेस्ट जज के रूप में दिखाई दी थी। इसके अलावा लीना ने एक एल्बम के लिए गीत भी लिखा। लीना चंद्रावरकर अब मुंबई में अपने बेटे सुमित कुमार और स्टेपसन गायक अमित कुमार के साथ रहती हैं। लीना चंद्रावरकर ने 60 व 70 के दशक में आखिर में महज कुछ ही फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन वो काबिले तारीफ था। मन का मीत इनकी पहली फिल्म थी, इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
ऐसा बहुत कम अभिनेत्रियों के साथ होता है जो अपनी पहली ही फिल्म से सुपरस्टार बन जाती हैं। लीना चंदावरकर ने अपने छोटे से फिल्मी करियर में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार, सुनील दत्त, जितेंद्र, प्रेम चोपड़ा, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, संजीव कुमार आदि के साथ अभिनय किया। दोस्तों, आपने लीना चंदावरकर की कौन कौन सी फिल्मों को देखा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।